बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 45,000 इन 2023। न्यू लैपटॉप परचेज करना है, 45,000 का बजट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे लैपटॉप इंक्लूड किए हैं जिनको आप 45,000 के बजट में बाय कर सकते हो और इन लैपटॉप्स की आप रैम को एक्सटेंड कर सकते हो, स्टोरेज को एक्सटेंड कर सकते हो और कुछ लैपटॉप्स में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं, लाइक बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाता है और प्राइवेसी वेबकैम शटर भी मिल जाता है। और इन सभी लैपटॉप्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज फ्री मिलेगा। आपका पर्पस कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक्स डिजाइनिंग जैसे काम करना है, ऑटोकैड या एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हो, स्टडी या ऑफिस पर्पज के लिए लैपटॉप प्लान कर रहे हो तो ये पांचों ही लैपटॉप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं 45,000 के बजट में। और इस लिस्ट में एक लैपटॉप मेरा फेवरेट है, उसकी परफॉर्मेंस एकदम ताबड़तोड़ है और रिसेंटली हमने कुछ लैपटॉप्स के रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग भी की है, आई बटन में लिंक मिल जाएगी। अगर आपको पसंद आए तो स्प्रेड करना अपने दोस्तों के साथ में। तो भाई हमें इतना तो पता है कि आपके लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा हो सकता है 45,000 के बजट में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलते हैं इस लिस्ट के फर्स्ट लैपटॉप की ओर। तो ये है लेनोवो का आईडिया पेयर स्लिम 3, ये बहुत ही पॉपुलर लैपटॉप है, स्पेक्स आपके सामने है, ये सभी चीजें तो आपको भी पता है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये लैपटॉप आप किस वजह से बाय कर सकते हो। इस लैपटॉप में आप रैम अपग्रेड कर सकते हो, वेबकैम में प्राइवेसी शटर मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, लेटेस्ट वाईफाई कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं, 2 साल की ऑन साइट वारंटी मिल जाएगी, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है, इसमें आपको हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के लिए टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और ये 45,000 के बजट में आपको 6 कोर वाला सीपीयू ऑफर करता है। और अमेजन पे इसकी रेटिंग से आप अंदाजा लगा सकते हो ये लैपटॉप कितना पॉपुलर है। अब इस लिस्ट का नेक्स्ट लैपटॉप है HP 15S EQ 2144AU, भाई बहुत बड़े बड़े नाम है। एंड आप सभी को पता है कि HP एक ट्रस्टेड ब्रांड है तो स्पेक्स आपके सामने है, इसमें भी आपको AMD का Ryzen 5 5500U CPU मिल जाता है। इस लैपटॉप के भी बाय करने के कुछ रीजन बनते हैं। इस लैपटॉप की रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो, इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा, अलेक्सा का भी सपोर्ट मिलता है और इसमें भी आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, इसकी हेल्प से आप हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। तो 45,000 के बजट में ये लैपटॉप भी एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट अपना ओनर MagicBook 14 है, ये लैपटॉप एकदम इनसेन है, स्पेक्स आपके सामने है, इसमें भी आपको सेम ही Ryzen 5 5500U CPU मिल जाता है। इस लैपटॉप को बाय करने के बहुत सारे रीजन बनते हैं। इसमें आपको 16GB की रैम मिलती है ऑलरेडी हमें 45,000 के बजट में, तो आपको अपग्रेड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी मिलेगी। बैकलिट कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाता है और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा और टाइप सी पोर्ट से इस लैपटॉप को चार्ज भी कर पाओगे। 14 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाएगी, वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन मिल जाता है, वेबकैम शटर मिल जाएगा, इसमें आपको एल्यूमिनियम मेटल बॉडी मिलने वाली है। 45,000 के बजट में ये लैपटॉप आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट ये लैपटॉप परचेज करने से पहले सर्विस वगैरह का ध्यान रखना, अगर आपके एरिया में इस ब्रांड के सर्विस आउटलेट है तो इस लैपटॉप को परचेज करना। नेक्स्ट लैपटॉप है डेल वोस्ट्रो 3425, ये लैपटॉप थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बाकी कॉन्फिगरेशन आपके सामने है और इसमें आपको AMD का Ryzen 5 5625U CPU मिलता है, तो ये 5500U से थोड़ा सा बेटर है। तो इस लैपटॉप को भी बाय करने के कुछ रीजन है। इस डेल के लैपटॉप की रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो, इसमें आपको 5500U से बेटर सीपीयू मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिलता है, इससे आप हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, 14 इंच की IPS पैनल की डिस्प्ले मिल जाएगी। अगर आपको अपने लैपटॉप में IPS डिस्प्ले चाहिए तो ये लैपटॉप आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। और रिसेंटली हमने डेल इंफ्रॉन 3525 लैपटॉप की भी अनबॉक्सिंग की है, आई बटन में लिंक मिल जाएगी, सेम ही सीपीयू और सेम ही कॉन्फिगरेशन थी, तो आप वो वाला लैपटॉप भी कंसीडर कर सकते हो, वो 15 इंच की साइज में मिल जाएगा। इस लिस्ट का लास्ट लैपटॉप है Asus VivoBook 15, इस लैपटॉप का अनबॉक्सिंग वीडियो टोटली कंप्लीट शूट हो चुका है, फोल्डर्स आपके सामने है, जल्दी वीडियो भी आ जाएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, इसमें आपको लेटेस्ट i3 1220p CPU मिल जाता है एंड लिटरली भाई सही बता रहा हूँ, ये CPU एकदम इनसेन है और ये 5500U से भी बेटर है। बाकी ये कुछ बेंचमार्क्स है तो इसके साथ आप कंपेयर करके देखो ये CPU कितना बेटर रहने वाला है। तो Asus के इस लैपटॉप को बाय करने के कुछ रीजंस बनते हैं। इस लैपटॉप की रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो, फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाता है और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, वेबकैम शटर भी मिल जाता है और इसमें आपको लेटेस्ट इंटेल i3 1220p CPU मिल जाता है और ये लैपटॉप आपको ओनली 42,000 के बजट में मिल जाएगा। इन सभी लैपटॉप्स की बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर जरूर से चेकआउट करना और कमेंट करके ये बताना है कि आपको कौन सा वाला लैपटॉप पसंद आया और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।